मैं बीजेपी का बेटा हूँ, जितना सम्मान मेरा बीजेपी ने किया उतना किसी ने नहीं किया। कांग्रेस में कई विधायक उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, ये बात बीजेपी विधायक संजय पाठक ने मीडिया से कही। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भाजपा को गच्चा देकर उसके दो विधायक कमलनाथ सरकार के साथ खड़े हो गए, जिसके बाद सियासत में यह खबर तेज हो गई थी कि कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायक संजय पाठक भी कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। लेकिन विधायक संजय पाठक ने खुद ही इन खबरों को एक सिरे से खारिज कर दिया। वहीं उन्होंने कांग्रेस द्वारा प्रलोभन देने की खबरों पर कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें प्रलोभन दे सके। अभी मध्य प्रदेश में तो ऐसा कोई नहीं जो मुझे प्रलोभन दे सके। मैं आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण खड़ा हूँ। मैं भी दूसरी पार्टी से आया था, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे संपूर्ण सम्मान दिया और प्रदेश में मंत्री बना के एक प्रदेश में 7.5 करोड़ में से 30 लोगों के अंदर रहने वाला एक जिम्मेदार पद भी दिया, मुझे मंत्री बनाया। तो इससे ज़्यादा और क्या सम्मान दे, मुख्यमंत्री तो बनाएंगे नहीं कि शिवराज जी को हटा के मेरे को बना देते। तो सम्मान में कोई कमी नहीं रखी है। हाँ, लेने वाले के अंदर संतोष होना चाहिए। अब जिसमें संतोष ही नहीं होगा तो भैया उसमें फिर कोई दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। वहीं उन्होंने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें भाजपा में जितना सम्मान मिला है उतना कहीं नहीं मिला, बल्कि कांग्रेस में कई विधायक खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी के अंदर जो बीजेपी में लोग हैं वो कहीं उपेक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ये सामने वालों का गणित होता है, टैक्टिक्स होती है कि मनोवैज्ञानिक दबाव डालो कि आप उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे उपेक्षित महसूस करने वाले तो कांग्रेस में भी होंगे, लेकिन वो अपने लोगों को तो नहीं बताएगी। सत्ता में कांग्रेस है और कई कांग्रेस में ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को योग्य समझ रहे थे लेकिन उनको उनकी योग्यता अनुसार अभी स्थान नहीं मिला है। तो उपेक्षित तो महसूस कांग्रेस में भी लोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर संजय पाठक खुद को कांग्रेस में शामिल होने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।